वर्रा तहसील के अर्जुनी तुकुम मुखेवाड़ धानोली दादापुर साथ ही परिसर के स्कूली विद्यार्थी गर्भवती माता किसान खेत मजदूर तथा वृद्ध नागरिकों को अपनी जान हथेली में लेकर यात्रा करना पड़ रहा है, जिसके कारण पुल की ऊंचाई बढ़ाए ऐसी मांग बार बार की जा रही है। पिछले दो महीनों में लगातार हुई बरसात की वजह से हर तरफ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और नदी नाले बड़े पैमाने पर भर कर बहने लगे। वहीं एक बार फिर इस परिसर में हुई बरसात से अर्जुनी तुकुम कोकेवाड़ा चारगांव दादापुर धानोली इस गांव के किसानों को स्कूली विद्यार्थियों को गर्भवती माता तथा वृद्ध नागरिक इन्हें शिक्षण दवाखाना तथा अन्य कामों के लिए शेगांव साथी तालुका के वर्रा इस जगह पर जाना पड़ता है। इस जगह जाने की वजह से बरसात में हो रही बारिश की वजह से अर्जुनी तुकुम चारगांव के नाले के पुल पर बड़े पैमाने पर पानी बहने से नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करना पड़ रहा है और इस परिसर के नागरिकों ने लगातार इस पुल की ऊंचाई बढ़ाने की मांग की है। एक तरफ हम भारतीय स्वतंत्रता के आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरी ओर ग्रामीण भाग की जनता अभी भी आरोग्य यातायात रास्ता शिक्षण साथ ही अन्य सुविधाओं से वंचित रह रही है, जिसके कारण लोक प्रतिनिधि शासन ने इस ओर ध्यान देकर पुल की ऊंचाई बढ़ाएं ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही। तो सुनिए इस संदर्भ में परिसर के नागरिक ने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आज दिनांक 10 अगस्त 2022 आज सहा दावापूर आज आम्हाला इथे दवाखान्यात जाण्यासाठी कोणतीही सुविधा नाही आणि आम्हाला या पूर परिस्थितीमुळे कसं करावं आणि कसं नाही असा आम्हाला खूप त्रास होत आहे या पुरामुळे। आज वारंवार शासनाला मदतीची हाक मागूनसुद्धा किंवा या पुलाची उंची वाढवून आम्हाला शासनाने थोडी मदत करावी असा या जनतेने वारंवार शासनाशी संवाद साधला तरी पण या शासनाला अजून जाग आलेली नाही। आज महिलांना डिलिव्हरीसाठी जाण्यासाठी या सावरिया उपकेंद्रात जाण्यासाठी अजूनपर्यंत कोणती सुविधा नाही। आज आम्हाला या परिस्थितीमुळे कसं ना कसं करून आम्हाला घरीच राहावं लागतं आणि आज स्वातंत्र्याचा दिवस 15 ऑगस्ट समोर येणार, तसं अशीच जर परिस्थिती राहिली तर आम्ही असे काय करणार की या पूरपरिस्थितीमुळे आम्हाला कुठंच हलावं लागत नाही। आज आमच्या गावामध्ये बरेचसे लोक बीमार आहेत आणि अशा कोणत्याही सुविधा आम्हाला उपलब्ध नाही, पुण्यात दवाखान्या पाण्याची सुविधासुद्धा आम्हाला उपलब्ध नाही, करिता शासनाने आम्हाला या मदतीला धावून यावं किंवा या पुलाची उंची आम्हाला वाढवून द्यावी अशी आमच्या गावाच्या वतीने मागणी आहे आणि शासनाने या गोष्टीवर खरंच गांभीर्याने लक्ष देऊन आम्हाला मदत करावी अशी आम्ही शासनाद्वारे भीक मागत आहोत किंवा आम्हाला कोणती तरी मदत करा। या आज शाळेची मुलं आहेत, आज वर्याला जाणारी मुलं आहेत कॉलेजची, यांनासुद्धा खूप त्रास होत आहे, तरी शासनाने याची दखल घ्यावी व या पुलाची उंची वारंवार आम्ही मागत आहोत तुम्हाला पूल करून द्यावं आणि यावर्षी तरी आम्हाला या पुलाची उंची वाढवून द्या अशी या जनतेकडून मागणी आहे। सिटी क्लबमधील विशेष प्रतिनिधी जगदीश बेंदामकी रिपोर्ट।